हे गाइस फ्रेंड्स, मेजो जो कि चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है लॉन्च करने जा रही है अपना एक नया स्मार्टफोन मेजो 16 करके इंडियन मार्केट में। चलिए देखते हैं जल्दी से इसके स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और इसके अट्रैक्टिव कीमत को, क्या यह मजा दे पाता है इंडियन कंज्यूमर्स को, इसी पे आज चर्चा करते हैं। जी दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब के चैनल ओनली यूजफुल में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक और बैक साइड से मेजो को देखना चालू करते हैं। यहाँ पे ड्यूअल कैमरा हमें नजर आता है जिसकी कैपेसिटी है 20 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा है और प्राइमरी कैमरा यहाँ पे आपको मिल रहा है 12 मेगापिक्सल का, यानी 12 और 20 मेगापिक्सल के कॉम्बिनेशन का आपको कैमरा प्रोवाइड कराया गया है। टेलीफोटो कैमरा यहाँ पे दूर की पिक्चर आपको क्लियरली नजर आएगी, मतलब क्लियरिटी के साथ आप ले सकते हैं और पोर्ट्रेट के लिए काफी अच्छा है, कॉम्बिनेशन माना जाता है। अगर एलईडी फ्लैश लाइट की बात करें तो एक एलईडी फ्लैश लाइट बैक साइड में दी गई है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको पीछे न देकर के इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, यानी कि डिस्प्ले में ही अंगूठा आपको लगाना होगा। आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक सेल्फी कैमरा नजर आता है जो कि अच्छा खासा मेगा पिक्सल रखता है, यानी कि 20 मेगा पिक्सल वाला यह सेल्फी कैमरा है। डिस्प्ले है एमोलेड टेक्नोलॉजी का पे यूज किया गया, यानी कि एमोलेड डिस्प्ले है जिसका रिजोल्यूशन है 1021x2100 के लगभग, यानी कि एचडी डिस्प्ले आपको प्रोवाइड कराया गया है जिसकी साइज है 6 इंचेस की। अगर बात करते हैं आउटर पोर्ट्स की तो यहाँ पे यूएसबी सी पोर्ट दिया गया है जिसमें यूएसबी सी कनेक्टर्स को हम लगा सकते हैं चार्जिंग वगैरह के लिए या तो डाटा ट्रांसफर के लिए। 3.5 mm का जैक दिया गया है आपको अच्छा म्यूजिक गाना सुनने के लिए, इसमें आप कनेक्टर लगाइए, हेडफोन लगाइए, स्पीकर लगाइए, जो मन वो लगाइए। अगर बात करते हैं नीचे इसके अंदर चलते हैं घुसते हैं तो अंदर हमें नजर आता है मेमोरी, सबसे पहले बात करते हैं रैम और रोम की बात करते हैं तो यहाँ पे 8GB और 6GB दो वेरियंट में आ रहा है। 8GB के साथ 128GB का रोम यानी स्टोरेज इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और 6GB के साथ 64GB और 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। अलग अलग वेरिएंट्स हैं, कीमत भी उसी के अनुसार है। अगर इसके एक्सपेंशन की बात करें तो इसमें हम मेमोरी कार्ड का यूज नहीं कर सकते, इसके लिए कोई अलग से स्लॉट नहीं दिया गया है, तो जितना दिया गया है बाई डिफॉल्ट मेमोरी उसी में आपको काम चलाना होगा। यहाँ पे ड्यूअल सिम कार्ड है, दोनों 4G LTE पे काम करते हैं। अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 8.1 ओरियो का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है और प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 जो कि लेटेस्ट एसओसी है वो मिल रहा है जिसकी क्लॉक स्पीड अच्छी खासी 2.8 GHz है। उसके अलावा आपको जीपीयू मिला है एड्रीनो 630, ग्राफिक्स अच्छा होगा, आपको गेम खेलने में सुविधा होगी। अगर बैटरी की बात करें तो 3000 mAh की बैटरी मिल रही है आपको, 3000 mAh के लगभग की बैटरी है तो एवरेज बैटरी है, कोई उतनी खास उतनी हाई पावर की बैटरी आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है, आपको बैकअप उतना कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। अगर कीमत की बात करें तो यहाँ पे कीमत ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन चाइनीज मार्केट में जो कीमत है उसके अनुसार यहाँ पे कीमत आपकी रहने वाली 27,000 से 28,000 रुपए, तो अच्छी खासी कीमत यहाँ पे मेजो तो मजा देता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि मजा यहाँ पे दे रहा है आपको पोको F1 जो कि शाओमी का एक वेरिएंट है। शाओमी वैसे ही वेल स्टेबलाइज्ड कंपनी है इंडियन में, इंडियन कंज्यूमर्स तक अपनी पैठ बना चुकी है, उसके साथ पोको F1 भी ये सारे फीचर्स इंक्लूड करता है। थोड़ा अगर कैमरा को छोड़ दे, उसकी कैमरा की कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन वहीं पे उसके बैटरी की कैपेसिटी 4000 mAh की वहां पे मिल रहा है बैटरी। तो कुल मिलाकर के सारे स्पेसिफिकेशन इसको पोको F1 वाले हैं यहाँ पे, और पोको F1 की कीमत 21,000 है और इसकी कीमत यहाँ पे आपको 28,000 है, तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों कीमत में। और वैसे भी मेजो उतनी पैठ नहीं बनाया है, नया है इंडियन मार्केट में, तो इसको इसकी अपने कीमत को इसे कम करना चाहिए। परफॉर्मेंस की बात करें तो हालांकि अभी तो लॉन्च नहीं हुआ है, कंज्यूमर इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं, तो परफॉर्मेंस बाद में देखेंगे, लॉन्च होने के बाद देखते हैं। ये रहा आपको वीडियो। अगर इसे परचेस करने की बात आती है तो आप परचेस सोच समझ कर ही करना, क्योंकि इस कीमत में आपको शाओमी पोको F1 प्रोवाइड करा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल वाला घंटा टर्न जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे